नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे को लेकर और बिहार से झारखंड की एक नई रेल पटरी की शुरुआत होने वाली है, इसको लेकर आगे हम बात करेंगे। रेलवे आए दिन अपने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव करते रहा है। ऐसे में रेलवे ने बिहार और झारखंड के बीच में एक नई रेल सेवा यानी कि नई रेल लाइन बिछाने को लेकर काम शुरू कर दिया है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि बिहार और झारखंड जाने के लिए एक रेल मार्ग में एक और दरवाज़ा खुल गया है, यानी कि एक नई लाइन की शुरुआत होने वाली है। बिहार में नई रेल लाइन के निर्माण का रास्ता लगभग साफ हो गया है। नई रेल लाइन को लेकर लगभग स्वीकृति मिल गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि नई रेल लाइन के निर्माण को लेकर रेलवे ने राशि भी मंजूर करने की बात कह दी है। इस नई रेल लाइन को लेकर रेलवे मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति ने रेलवे बोर्ड को के जो डायरेक्टर हैं गतिशक्ति सिविल 3 के मोहित कुमार, इनको जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नई रेल लाइन के निर्माण को लेकर 1,384.33 करोड़ रुपए में रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, यानी कि इसका जो बजट है वो निर्धारित कर लिया गया है। जसीडीह पीरपैंती की लंबाई यानी कि जो नया रेल खंड होगा वो जसीडीह और पीरपैंती के बीच में होगा और इसकी जो लंबाई होगी 99.73 किलोमीटर की होगी, जबकि गोंडा पीरपैंती रेल खंड 61.619 किलोमीटर रेल लाइन पर कार्य किया जा रहा है। इस रेल खंड को लेकर पहले केंद्र और उसके बाद झारखंड के द्वारा 50% अनुदान देने की बात कही गई थी, यानी कि दोनों सरकारें स्टेट और केंद्र दोनों मिलकर इस रेल लाइन को बनाने की बात कही थी, लेकिन बाद के समय में रेलवे ने इसे खुद ही अपने खर्चे से बनाने का फैसला किया है। ऐसे में अब यह बताया जा रहा है कि गतिशक्ति योजना के तहत इस रेलखंड का निर्माण किया जाएगा। पीरपैंती गोंडा नई रेल लाइन देवघर मोहनपुर सरैयाहाट पौड़ैयाहाट गोड्डा पथरगामा बसंतराय महगामा मेहरमा और पीरपैंती प्रखंड के लोगों को इस रेलखंड के बन जाने से सीधा लाभ मिलने वाला है, यानी कि इन सभी रूटों से होकर यह रेलगाड़ी जो है आगे जाएगी। इसके साथ साथ साहेबगंज रेलवे पुल के निर्माण हो जाने के बाद से पूर्णिया कटिहार किशनगंज और सीमांचल के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ भागलपुर से रांची जाने वाले लोगों के लिए भी यह एक तीसरी लाइन की शुरुआत हो जाएगी। तो एक तरह से कह लें कि सीमांचल का पूरा इलाका जो है वो रांची झारखंड से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा इस नई रेलखंड के बनने के बाद। उसके बाद साहेबगंज पुल का जब निर्माण होगा तो पूरी तरह से कह लें कि बिहार जो है झारखंड से अलग अलग रेलखंडों से जुड़ता चला जाएगा। बताया जा रहा है कि रेल लाइन जसीडीह देवघर दुमका गोड्डा को टच करेगी और आगे पीरपैंती व भागलपुर जाएगी। इससे पहले दो रूट है जिसमें कि एक जसीडीह से किउल होते हुए दूसरा भागलपुर और दूसरा आसनसोल वाया रामपुर हाट होते हुए अब भागलपुर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में एक तीसरी लाइन जो है अब जुड़ने वाली है। नई रेल लाइन अधिग्रहण के लेकर जो है जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इसमें 350 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही गई है, यानी कि सिर्फ जमीन अधिग्रहण को लेकर ही 350 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर DPR बनकर तैयार है, साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण व टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बता दें कि गोड्डा के महगामा के पास में 30 किलोमीटर तक कोल ब्लॉक मिलने के कारण गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन प्रोजेक्ट को रुकवा दिया गया था। हालांकि बाद के समय में रेलवे बोर्ड ने यह निर्देशित किया है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में होने वाले खर्च को निर्गत कर दिया जाए, यानी कि जब यह पूरा मामला रेलवे के अधिग्रहण के क्षेत्र में आ गया कि हम खुद बनाएंगे, रेलवे ने जब यह डिसीजन ले लिया कि इस रेलखंड को हम बनाएंगे, उसके बाद से जो है राशि निर्गत करने की बात कही गई। इससे पहले जो मामला था उसमें 50-50 का मामला था, राज्य सरकार को भी इसको लेकर पैसे देने थे और केंद्र सरकार को भी 50% की राशि मुहैया करानी थी, लेकिन बाद के समय में रेलवे ने जब इसे पूरे अपने कब्जे में लिया तो अब जो है इसको लेकर राशि का आवंटन शुरू हो गया है और DPR भी लगभग बनकर तैयार है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि भागलपुर से झारखंड के लिए एक नया रेलखंड जो है शुरू होगा पीरपैंती से गोंडा तक के लिए। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि बिहार और झारखंड के बीच में जितनी ही दूरियां कम हो उतना ही व्यापार के लिहाज से पर्यटन के लिहाज से यह उतना ही आसान होगा और सुलभ होने वाला है। बिहार और बिहार से जुड़े भी और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।